इस सेशन में हम बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि कोई पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक अवेल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहां पर जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने जा रहा है तो उसको जो है विद इन टाइम लिमिट वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना होगा। अगर विद इन टाइम लिमिट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया गया तो ऐसे में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लैप्स हो जाएगा, आप उसको अवेल नहीं कर पाएंगे। यहां पर बताया गया इन रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर दी 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग दी एंड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स। इट मीन्स यहां पर बेसिकली कहा जा रहा है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने जा रहे हैं, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, इस पीरियड से रिलेटेड कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके रिगार्डिंग कहा गया कि जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी 30th डे ऑफ नवंबर दैट इज 30 नवंबर, 30 नवंबर 2025 तक आप जो है ITC अवेल कर सकते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। 30 नवंबर के बाद अगर आप ITC अवेल करने की कोशिश करेंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड होगा, वो ITC आप अवेल नहीं कर पाएंगे, वो ITC लैप्स हो जाएगा और उसके बाद आप उस ITC का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ITC के अवेल करने के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर एक टाइम लिमिट फिक्स की गई है, और जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो डेबिट नोट है, वो टैक्स इनवॉइस है, उस फाइनेंशियल ईयर से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी जो 30th डे ऑफ नवंबर दैट इज 30 नवंबर तक का जो दिन है वो फिक्स किया गया है, उस 30 नवंबर तक आप जो है ITC अवेल कर पाएंगे, उसके बाद जो है वो ITC आप अवेल नहीं कर पाएंगे। यहां पर एक और कंडीशन रखी गई, यहां पर कहा गया 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल कर देंगे, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी विच एवर इज अर्लियर उस डेट तक आप जो है वो ITC अवेल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है और यहां पर जो है 30 नवंबर 2025 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है लास्ट डेट होगी फॉर अवेलिंग ITC। अब मान लीजिए आपने यहां पर जो एनुअल रिटर्न है जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एनुअल रिटर्न की बात की जा रही है, अगर वो एनुअल रिटर्न मान लेते हैं आपने फाइल कर दी 31st ऑफ अक्टूबर 2025 को, तो ऐसे में जो लास्ट डेट होगी फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट विल बी 31st ऑफ अक्टूबर 2025। 31 अक्टूबर 2025 तक जो है आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब एक और एग्जांपल यहां पर हम मान लेते हैं 24-25 के रिगार्डिंग जो है 30 नवंबर हमारी लास्ट डेट है और हमने जो एनुअल रिटर्न फाइल की वो की 31st ऑफ दिसंबर 2025 को, तो ऐसे में इन दोनों में जो भी डेट पहले आएगी दैट इज 30th ऑफ नवंबर 2025, ये हमारी क्या होगी लास्ट डेट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसकी बात नहीं की गई, यहां पर बात की गई है द फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जिस डेट में आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे वो डेट आपके लिए रेलिवेंट है, वो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है जो कि जनरली क्या होती है 31st ऑफ दिसंबर, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट ऑफ फाइलिंग इंपॉर्टेंट है कि किस डेट में आपने जो है एनुअल रिटर्न फाइल की है। अगर वो एनुअल रिटर्न आपने 30 नवंबर से पहले फाइल कर दी है
तो ऐसे में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न आपकी लास्ट डेट होगी, और अगर आपने 30 नवंबर के बाद फाइल की है तो ऐसे में 30 नवंबर जो है आपके लिए लास्ट डेट होगी। तो यहां पर जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर कहा गया कि टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी वो आपके लिए क्या होगी, लास्ट डेट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये आपको यहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं।